हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिड्स टेक एंड ट्रैवल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे एसर स्विफ्ट 3। जैसे कि आप देख रहे होंगे एसर स्विफ्ट 3, इसको अनबॉक्स करेंगे, डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो चलो फटाफट इसको शुरू करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको सारा डिटेल में बताएंगे, तो आप बने रहिए। तो जैसे आप देख रहे होंगे इसकी पैकेजिंग इस टाइप की आती है, इस टाइप की। इसमें आपको कुशनिंग मिल जाती है, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, और आपको दिखाते हैं पहला लुक एसर स्विफ्ट 3। इस तरीके की मशीन है, 14 इंचेस का इसका स्क्रीन साइज है। तो दोस्तों डिटेल में हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे। काफी लाइट वेटेड है, अगर मैं बात करूँ इसके वेट की तो 1.19 केजी इसका वेट है। इंटेल बेस्ड मशीन है। सबसे पहले मैं मशीन से पहले आपको चार्जर के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें एक कॉर्ड मिल जाती है आपको नॉर्मली, और एक चार्जर मिल जाता है आपको। चार्जर काफी लाइट वेटेड है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ इसमें जो चार्जर है वो मिलता है आपको दोस्तों 65 वॉट का। काफी लाइट वेटेड है चार्जर, काफी अच्छा है। चलो इनको कर देते हैं साइड। इसमें आपको कुछ मैनुअल्स भी मिल जाते हैं इस तरीके से, एसर इंटरनेशनल ट्रैवल वारंटी का भी मिल जाता है। इनको कर देते हैं साइड, और दोस्तों डिटेल में बात करते हैं एसर स्विफ्ट 3 के बारे में। वन ऑफ द प्रीमियम मशीन ऑफ एसर। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो पूरा ABC तीनों चार्जर्स के मेटल के हैं। इसको आप एल्युमिनियम चेजेस कह सकते हैं, पूरा मैग्नीशियम एलॉय से बना हुआ है। अगर मैं बात करूं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन से, तो इसमें आपको मिलता है दोस्तों इंटेल कोर i5 11 जनरेशन प्रोसेसर, 8GB ऑफ रैम, DDR4X रैम लगी हुई है। इसमें आपको 512GB PCIe Gen 4 का आपको SSD मिल जाता है। इसमें इंटेल आईरिस XE का ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इस लैपटॉप में क्या क्या की फीचर्स हैं इसमें। ये एसर का सबसे लाइटेस्ट वेट का लैपटॉप है इस सेगमेंट का, स्विफ्ट 3 का। इसका वेट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, और ओनली 1.19 केजी इसका वेट है। अब इसमें बात करते हैं इसकी लुक की। तो दोस्तों इसका पूरा लुक आपको दिखाते हैं। इस तरीके का है पैनल, इस तरीके का। आप अगर आप बेजल्स देख रहे होंगे, बेजल भी काफी स्लिम है, 15.95 mm थिन है इसके बेजल्स। तो फटाफट इसको स्टार्ट करके इसके स्क्रीन के बारे में बात करते हैं। इसको जैसे हमने ऑन कर दिया है, बूट कर दिया, एसर का लोगो आ गया। काफी फास्ट है मशीन, विद इन 5 or 6 seconds में ऑन हो जाती है मशीन, इतनी फास्ट है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है लैपटॉप का वो है 82.73%। तो काफी व्यूज डिस्प्ले दिया हुआ है। अब डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसमें आपको 14 इंच का फुल HD IPS पैनल मिलता है। इसमें आपको मिलता है 300 निट्स का ब्राइटनेस, जो कि अगर आप बाहर यूज कर रहे हैं, एज़ वेल कहीं धूप में यूज करते हैं, तो काफी अच्छा दिखेगा आपको वीडियो। दूसरा, अगर हम इसमें बात करें कि इसके कीबोर्ड में, इसका कीबोर्ड आपको बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है। अगर मैं टिल की बात करूं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी है इसकी। अगर इसका फ्लैक्स आप देख पा रहे होंगे तो नॉर्मली दब नहीं रहा है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मशीन। फिंगरप्रिंट दिया गया है, आप जैसे आपको दिखा पा रहा हूँ फिंगरप्रिंट है, और बेस्ड ऑन ईवो प्लेटफॉर्म, इंटेल का ईवो प्लेटफॉर्म है लैपटॉप। जैसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ ईवो प्लेटफॉर्म लैपटॉप में आप देखेंगे लेस देन 1 सेकेंड का वेकअप टाइम होता है इस लैपटॉप का। अगर मैं बात करूं इसमें आपको क्या बेटर है, आप क्यों इसे परचेज करें इस लैपटॉप को, तो ये लैपटॉप उन लोगों को लेना चाहिए जिनको लॉन्ग लाइफ बैटरी चाहिए होता है। इसका जो बैटरी बैकअप है सर, आप ऑफिशियली जो दिया है अपने ब्रोशर पे, वो दिया है 16 आवर्स, अप टू 16 आवर्स का। तो नॉर्मली इसका जो बैकअप है, हमने जो चेक किया है, तो आपको जो बैकअप मिलेगा वो अप टू 12 आवर्स मिलेगा। तो काफी अच्छा है इसमें जो बैटरी है। इसमें थंडरबोल्ट पोर्ट आपको मिल जाता है, थंडरबोल्ट पोर्ट मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, तो इस साइड है इसका थंडरबोल्ट पोर्ट, HDMI पोर्ट है, USB 3.0 का पोर्ट है।
आपको एक पोर्ट इस तरफ दिया गया है यूएसबी टाइप पे, ये किंगस्टन लॉक है और ये आपका ऑडियो जैक मिल जाता है आपको 3.5 mm का। तो ओवरऑल आप इस लैपटॉप को क्यों लें, जिन लोगों के लिए बैटरी ज़्यादा चाहिए होती है, जिन लोग जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, जिन लोगों को स्क्रीन बहुत अच्छा चाहिए होता है, तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा गो फॉर दिस लैपटॉप। दिस इज़ द लाइटेस्ट वेट। अगर सुप 3 की बात करूँ इस सेगमेंट का, तो मुझे फील ही नहीं हो रहा, और इतना टफ लुक है कि मज़ा आ रहा है इस लैपटॉप को फील कर रहे हैं। आप सिंगल हैंडेड कैरी कर सकते हैं। वो महिलाएं जो सिर्फ एक बैग लेके जाते हैं, तो नॉर्मली उनको दो बैग कैरी करने पड़ते हैं 15.6 inches का, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है कि जो वर्किंग है वो अपने नॉर्मली बैग में भी इसको डाल सकते हैं। आपको चार्जर ले जाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली वो आपका बैटरी बैकअप होगा वो 8-10 घंटे आराम से चल जाएगा। तो इस सेगमेंट का वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। तो दोस्तों इसमें आपको वाईफाई 6 मिल जाता है, अगर मैं बात करूँ ब्लूटूथ 5.1 मिल जाता है, बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है, ईओ बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट लैपटॉप है। तो दोस्तों आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो कुछ चीज़ें छूट गई होंगी हम हमेशा की तरह उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे। इसका प्राइस की अगर बात करूँ तो जो इसका प्राइस है वो 61 के आसपास है। बेस्ट प्राइस के लिए नीचे डिटेल में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, मैं इस तरीके की आपको वीडियो लाता रहूँगा, एक काफ़ी लंबी सीरीज आएगी हमारे पास हर लैपटॉप का, ऑलमोस्ट हम कोशिश करेंगे रिव्यू करने का। इस लाइटवेट का ये पहला रिव्यू था, इसमें दो मॉडल आते हैं सुप 3 में, एक राइजन भी आता है, तो बहुत जल्दी हम राइजन का भी करेंगे। और अगर मैं बात करूँ लैपटॉप की, तो काफ़ी लाइट वेटेड लैपटॉप है इंटेल का i5 11th generation का। और प्राइस की अगर बात करूँ तो प्राइस भी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।